गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन क्लास 9 का चैप्टर 3 स्टार्ट कर चुके थे और इसमें अपन एक टॉपिक पढ़ भी चुके थे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड। अपन वो टॉपिक जो पढ़े थे उसमें अपन ने इंट्रोडक्शन डाला था कि जो एटम्स होती है किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, क्योंकि बायोलॉजी में जिस तरीके से अपन पढ़ते हैं लिविंग थिंग्स की स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होती है, उसी तरीके से केमिस्ट्री की भी अगर अपन कंसेप्ट देखें, अगर मेथड देखें, तो इस अर्थ की हर चीज की, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, उसकी हर चीज जो फॉर्मेशन है स्मॉलेस्ट यूनिट से होती है। उस स्मॉलेस्ट यूनिट का नाम अपन पढ़ चुके थे, क्या था? एटम। हिंदी में उसे नाम दिया था परमाणु। सबसे छोटी चीज होती है, ध्यान रखना इस चीज का। उसके बारे में अपन ने डिफरेंट टाइप के साइंटिस्टों के नाम देखे थे। इंडियन साइंटिस्ट का भी नाम आया था मैक्सिकन, जिसने पदार्थ के बारे में बताया था, पदार्थ छोटी सी जो भी कण के बारे में बनता है उसे परमाणु नाम दिया था। उसमें अपन ने दो नियम पढ़े थे जब लास्ट क्लास मेरी हुई थी, प्रीवियस क्लास, उसमें आप लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ा था और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसमें आप लोगों ने ये पढ़ा था मास को किसी भी केमिकल रिएक्शन होने से पहले या रिएक्शन होने के बाद जो है उतना ही रहेगा, ना कम ना ज्यादा। उसी तरीके से कांस्टेंट प्रोपोर्शन में भी आप लोगों ने देखा था किसी भी केमिकल रिएक्शन को बनाने के लिए हर चीज की एक मात्रा होती है, CO2 C+O2 मात्रा फिक्स है, अमोनिया N2+H2NH3 मात्रा फिक्स है, यानी कोई भी चीज घर में भी अपन अपन कोई चीज बनाते हैं तो हर चीज की मात्रा फिक्स होती है, कम या ज्यादा होने पर स्वाद बिगड़ जाता है या स्वाद आता नहीं है। उसी तरीके से केमिकल रिएक्शन में भी हर चीज एटम की मात्रा अमाउंट फिक्स होती है, वो होने पर ही केमिकल रिएक्शन सटीक बैठती है, कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। आइए आज इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं अपन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों एग्जाम के नजरिए से, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एक साइंटिस्ट का नाम जिसने एटम के बारे में विस्तार से बताने की कोशिश की थी और बहुत सारी चीजें बताई थी, 60 तक भी हो गई। आइए जानते हैं आज डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में। डाल्टन ने बताया था कि इस अर्थ पर जितने भी मैटर हैं वो सब स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर हैं और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम क्या होता है? इसका मतलब इस अर्थ पर जितने भी मैटर है, हर चीज मैटर, हर चीज आपके सामने जितनी भी चीजें हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन आल्सो इज मैटर, अपन सब जितनी भी चीजें हैं वो सब स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को अपन क्या बोलते हैं? एटम कहते हैं, पहली चीज। दूसरा पॉइंट इसमें यह बताया था एटम को हम इन ओपन आई से नहीं देख सकते, अपन चाहे क्या एटम को देखो, देखो अगर मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ चौक के पार्टिकल्स यहाँ गिरे हुए हैं, अगर मैं यहाँ से कुछ पार्टिकल्स उठाऊं तो मुझे ऊपर खूब सारे पार्टिकल्स आएंगे और मैं चाहूँ उनमें से भी उस पार्टिकल्स को तोड़कर और छोटा निकालू और उसको देखने को शुरू, उसको तोड़कर फिर, दिस इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब है मैं उसको इन आंखों से फिर नहीं देख पाऊंगा क्योंकि वो बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाती है, तो एटम को हम इन ओपन आई से, नेक्ड आई से नहीं देख सकते। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, एटम को आप तोड़ नहीं सकते, इतना छोटा, इतने छोटी चीज को फिर अपन तोड़ेंगे कैसे? जो इन आंखों से नहीं दिखाई देती उसे अपन तोड़ेंगे कैसे? तो इंडिविजिबल। अगला पॉइंट, किसी भी एलिमेंट को बनाने के लिए केवल उसी के एटम पार्टिसिपेट, अगर आपको हाइड्रोजन बनाना है, H बनाना है, तो इसमें अपने को H2 का मतलब इसमें एक और हाइड्रोजन का ही एटम आकर एड होगा, कोई दूसरा एड नहीं होगा। और डिफरेंट टाइप्स के अगर आपको बनाने हैं, डिफरेंट टाइप्स के एटम एलिमेंट्स बनाने, तो डिफरेंट टाइप्स के एटम्स उनमें काम में लो, अलग-अलग में, अलग-अलग। अगला पॉइंट आपका इसमें बुक में दिया, आप लोग बुक से रीडिंग लगाओगे साथ-साथ, नहीं से बुक में तो मेरे को बताएं। अगला इसमें देख के रखा है किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब कंपाउंड फॉर्म होता है तो उस केमिकल रिएक्शन में एटम्स की जो कंसंट्रेशन है, एटम्स की जो नंबरिंग है, अमाउंट है, वो हमेशा फिक्स होती है। जो दो नियम पढ़े थे ना, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वो नियम भी इसमें लागू होते हैं कि मास भी हमेशा फिक्स रहेगा और एटम की नंबरिंग भी हमेशा फिक्स रहेगी। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम की जो नंबरिंग रहती है किसी भी एलिमेंट को बनाने में, वो फिक्स रहती है। जैसे मैं यहाँ बोलूँ C+O2CO2, तो यहाँ जितने मेरे को एटम लेने हैं उतने ही एटम पार्टिसिपेट होंगे, ना कम ना ज्यादा, नहीं तो इक्वेशन बैलेंस नहीं होती है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन और कंजर्वेशन ऑफ लॉ का नियम लागू नहीं होता है। अगला है यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस में डिफरेंट टाइप्स के एटम पार्टिसिपेट करते हैं, तभी वो केमिकल रिएक्शन पूरी होती है। अब कोई रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं है तो अपने को बैलेंस करनी है तो वह एटम की नंबरिंग फिक्स करनी पड़ेगी, 2, 3, 4 जितनी भी है। तो ये बच्चों आपके 4-5 पॉइंट इसमें दिए हुए हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में, जिसमें बताया गया है मैटर इज
स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसे एटम कहते हैं। एटम को अपन देख नहीं सकते हैं, एटम को अपन तोड़ नहीं सकते हैं। किसी भी एलिमेंट को बनाने के लिए उसी के एटम्स आते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट को बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स के एटम्स आते हैं। हर केमिकल रिएक्शन में एटम की नंबरिंग फिक्स होती है, केमिकल रिएक्शन में एटम का मास फिक्स रहता है। तो ये सारी चीजें डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी में बताया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज एटम? एटम के बारे में अपन जान चुके हैं। अब इस टॉपिक में, इस लेसन में अगला टॉपिक आएगा, व्हाट इज एटम, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर व्हिच इज इंडिविजिबल एंड कैन नॉट बी सीन इन नेक्ड आई विद नेक्ड आई। अपन इन आंखों से उसको नहीं देख सकते, और साथ में मैटर की सबसे छोटी यूनिट का नाम क्या होता है? एटम होता है। तो ये चीजें अपन चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ चुके थे, यहाँ बीच में भी अपने को वापस एक बार दिया हुआ है। चलिए अब देखो, आप लोग जब बुक ओपन करोगे और बुक में मेरे साथ पढ़ोगे, जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोग बुक साथ रखें, साथ साथ पढ़ाई करने से क्या अच्छा रहता है। अब इसमें अपने क्या होता है, हर एलिमेंट की एक रेडियस दी हुई है, एटम के बेस पर हर एलिमेंट की अलग अलग रेडियस है, इसकी ये रेडियस है, इसकी ये रेडियस है, इसकी रेडियस। उस रेडियस के बेस पर हर एलिमेंट का क्या होता है, एक साइज फिक्स होता है कि ये एलिमेंट इतना बड़ा है, ये एलिमेंट इतना, ये एलिमेंट इतना। तो वो चीज भी अपन इसमें डिस्कस करेंगे। अब इस चैप्टर में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी वो आएगी सिंबल्स। अब यहाँ पर भी कुछ अच्छी चीजें आ गई, और उन अच्छी चीजों में आपको एक और टॉपिक इसमें इंक्लूड हो रहा है, वो है सिंबल्स। सिंबल्स आने, देखो सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों चीज है? क्योंकि अपन कहीं पर भी घूमने जाते हैं तो बोर्ड लगा रहता है, आगे रेलवे फाटक है तो रेलवे ट्रैक बना हुआ रहता है, दाएं घूमना है तो दाएं का सिंबल तीर का है, बाएं तो तीर का सिंबल आता है, ये चीजों। उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी इस चैप्टर में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अगर पढ़ रहे हो तो खूब सारे एटम्स एलिमेंट्स आएंगे, और उन एलिमेंट्स में अब आपको सिंबल की चर्चा करनी है। सिंबल में अगर आपको कहूं ऑक्सीजन, तो अपन क्या बोलेंगे, ओ। अपन वर्ड्स में लिखे कार्बन, तो अपन क्या पढ़ेंगे, सी। बच्चों ये इसलिए यहाँ पर पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि 10th क्लास में कुछ केमिस्ट्री के चैप्टर और वहाँ केमिकल रिएक्शंस आते हैं, उनको बैलेंस करते हैं। बच्चों को सबसे छोटी प्रॉब्लम, जैसे 10th में हमारे पास खूब सारे बच्चे होते हैं, आप लोग जानते होंगे, उनको प्रॉब्लम क्या होती है, अपन बोलते हैं कार्बन रिएक्ट ऑक्सीजन तो प्रॉब्लम होती है, सर कार्बन का सिंबल किया, सर ऑक्सीजन का सिंबल किया, सर नाइट्रोजन का सिंबल किया। ये सिंबल आपके 9th में आ चुके हैं, ये सिलेक्टेड है 25-30 से, इनको अपने को बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। ये सिंबल अगर अपने तैयार हो जाएंगे 25-30 तो अपने कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ऑक्सीजन का ओ है, कार्बन का सी है, हाइड्रोजन का एच है, नाइट्रोजन का एम, एल्यूमिनियम का एल है, पोटेशियम का पी है, फास्फोरस है, पोटेशियम का के, फास्फोरस का पी है, जिंक का जेड एन है, कॉपर का सी यू है, आयरन का एफ ए है, जिंक का जेड एन है। ये खूब सारे अपने हैं, थोड़े बहुत ये अपने को पढ़ने, इसकी टेबल दी हुई अपने को, और उस टेबल के बेस पर आप लोगों को पढ़ने। इसमें से दो तीन जो अपने हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, सोडियम, सोडियम का जब आप लोग चेक करोगे तो हिसाब से SO होना चाहिए, क्योंकि जो ये सिंबल बनाते हैं ना बच्चों, ये इनका फर्स्ट लेटर लेते हैं, सिंबल में क्या लेते हैं, वर्ड्स का फर्स्ट लेटर लेते हैं, और उसके बेस पर ही सिंबल तैयार होता है। सोडियम में देखो, सोडियम का सिंबल क्या होता है, ये नहीं है, सोडियम का सिंबल होता है Na, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na होता है, जबकि इसमें Na कहीं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो केमिस्ट्री में अब आप लोग जो इस सिंबल वाली कहानी पढ़ रहे हो ना, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, IUPAC, इसका फुल फॉर्म याद लेना, इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। यहां से आई दिया गया, यहां से यू है, यहां से पी है, यहां से ए है, और यहां से दिस इज ए ऑर्गेनाइजेशन व्हिच डिटरमाइन द नेमिंग ऑफ दिस एलिमेंट्स। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये काम क्या काम करते हैं, आईयूपीएसी सिस्टम, ये जो अपने एलिमेंट्स को जाते हैं उनके सिंबल, उनका नाम रखने का तरीका, वो सब चीजें बताते हैं। तो जो ये नाम रखने के तरीके हैं, ये सबसे पहले लैटिन लैंग्वेज, अपने साइंस में पढ़ते हैं लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज बहुत ज्यादा प्रचलन में थी, तो लैटिन लैंग्वेज में रखी जाती है। तो जो ये सोडियम है, तो बाद में नाम रखा गया इसका सोडियम, इसका जो पहले नाम था ना वो था नेट्रियम,
नेट्रियम नाम था कुछ, नेट्रियम से एन ए लिया गया, तो सोडियम का सिंबल क्या हो गया एन। उसी प्रकार से आप देखो ना केलियम, केलियम तो पोटेशियम आप पूछ रहे थे ना, पोटेशियम के यहां से लिया। तो इस तरीके से अपन जब देखते हैं आयरन, अपन बोलते हैं आयरन, आयरन और आयरन बोलते हैं अपन, और सिंबल क्या है इसका एफ ए, फेरम। लेटिन लैंग्वेज में आयरन को क्या बोलते हैं, फेरम बोलते हैं। तो बच्चों इस तरीके से ये जो सिंबल्स की कहानी है, एक तो इसका फुल फॉर्म याद रखोगे आईएनपीसी का, दूसरा अपने बुक में कुछ सिंबल्स देख रखे हैं तो 25-30 सिंबल्स को याद रखो। और इन सिंबल्स वाले टेबल को जब आप पढ़ोगे ना, जस्ट इसके ऊपर, अब जो चीज बोल रहा हूँ क्या सुना, जस्ट इसके ऊपर कुछ वर्ड्स देखे रखे हैं, सेंटेंस देखे रखे, लाइन, उन लाइनों में इनके लैटिन वर्ड देखे रखे हैं, वो जरूर से याद लेना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये विशेषकर चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में स्पेशली पढ़ लेना, क्योंकि अगर ये सिंबल अगर आपको याद हो जाते हैं, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये कम से 25-30 तक याद बैठो, क्योंकि इसी चैप्टर में ही अगले चैप्टर में अपन फॉर्मूले भी बनाएंगे, आप लोग मेरे साथ फॉर्मूले बनाओगे, 10th का आपका पूरा बेस इजी हो जाएगा मेरे साथ। तो जब फॉर्मूले बनाओगे तो आपको पीछे बार बार खोलनी पड़ेगी। जैसे अपन ने बनाया अमोनिया NH3, मैंने कहा अमोनिया या मैंने कहा और कोई, तो आपको बताना चाहिए इसका नाम नाइट्रोजन है, इसका नाम हाइड्रोजन है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए बच्चों, ये पता कहां से होगी, इस चैप्टर में सिंबल से, ये सिंबल याद करने आप लोगों को, तब जाकर आपका ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। क्लियर? तो आज के लिए आप लोगों का ये बहुत है, आप लोग इस चीज को पढ़ें, तैयारी करें, और कोई दिक्कत हो मुझसे। थैंक यू।